तो स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं वार के ऊपर एंड इंडियन रेफरीज की परफॉर्मेंस के ऊपर। सो गाइस आईएसएल अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आप इंडियन रेफरीज का ड्रामा ड्यूरेंट कप में देख ही रहे होंगे। मैंने अभी तक के सारे मैचेस देखे हैं ड्यूरेंट कप के और रेफरीज का जो ड्रामा है भाई, पेनाल्टी नहीं है तो पेनाल्टी दे रहे हैं, फाउल नहीं है तो फाउल दे रहे हैं, भाई अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इस चीज पर AIFF ना तो उनको पनिशमेंट देते हैं, ना ही उनके ऊपर बैन लगाते हैं और ना ही कोई चार्जेस करते हैं। अभी आप किसी पर्टिकुलर प्लेयर को ले लो, कोई फॉरेन प्लेयर हो गया या फिर इंडियन प्लेयर हो गया, अगर वो थोड़ी सी बदतमीजी कर दे या किसी से ओवर रिएक्ट कर दे तो उसके ऊपर फाइन लग जाता है, उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, एक दो मैच का बैन लगाया जाता है। भाई ऐसा क्यों है? आप प्रीमियर लीग का नेक्स्ट जन कप देख रहे हो जहां पर पंजाब एफसी ने एवर्टन को हराया, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात है भाई, जो छोटे 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 प्लेयर वहां पर जाकर इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप इतने सारे पैसे IPL पे लुटा रहे हो, 140 करोड़ का शायद इस बार का कुछ पैकेज बनाया है उन्होंने मेगा ऑक्शन के लिए। सो गाइस थोड़े बहुत पैसे आप यहां पर भी तो इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप वार के लिए 20 से या 30 करोड़ रुपए चाहिए, आप उस पैसे थोड़े एक 50 करोड़ रुपए यहां पर लगा दोगे तो भाई एक वार बन जाएगा, हमें रेफरीज की गलतियां यहां पर नजर आएंगी, वैसे तो नजर आ ही रही हैं, और वार से हमें ये क्लियर हो जाएगा हाँ भाई रेफरी कितना बुरा डिसीजन यहां पर दे रहे हैं। सो गाइस 4 से 5 महीने पहले भी इस चीज पर बात हुई थी कि वार इंप्लीमेंट करने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए चाहिए, और अभी भी मई में कुछ मीटिंग वगैरह हुई है वार के ऊपर। सो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, जल्द से जल्द वार यहाँ पर आना चाहिए या नहीं? मुझे नहीं लगता कि इस साल तो यहाँ पर वार आएगा, लेकिन हाँ 2025 तक मैं कह सकता हूँ कि कल्याण चौबे कुछ ना कुछ कर सकते हैं वार के ऊपर, और मुझे लगता है कि 2025 तक वार इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ पर ज़रूर मुझे अपना ओपिनियन दीजिएगा कि गाइस रेफरीज अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर उनके ऊपर थोड़ा भी पनिशमेंट या फिर थोड़े चार्जेस या एक दो मैच का बैन लगाया जाए, उनकी सैलरी कट की जाए, तो गाइस आप सोच के देखो वो सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। यहाँ पर भाई वो अपना ही डिसीजन देते हैं, पिच पर कुछ भी हो गया हटो भाई हमारा डिसीजन है जो कुछ है, भाई साइड रेफरी से तो पूछो आप वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके पास जाते भी नहीं है। और कभी आपने देखा होगा बॉल चली गई, थ्रो में चली गई बॉल, तो कभी ये हाथ उठा देते हैं कि भाई इस टीम को मिला है, और कभी ये हाथ उठा देते हैं, भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको फोकस रहना पड़ता है मैच में, आप वहां पर नशा करके थोड़ी ना खेल रहे हो। एक टीम का भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस रेफरी के ऊपर डिपेंड रहता है, हाँ भाई वो अच्छा डिसीजन दे रहा है दोनों टीम की तरफ, अच्छे से फाउल वगैरह सब कुछ दे रहा है, तो यहाँ पर टीम चाहती है हाँ भाई हमें रेफरी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही बस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।